हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिनर्स क्लब में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी CPBL बेसबॉल लीग चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक मुकाबला होने वाला है, अब अगला ये होना है रकुटीन मंकीज़ और यूनिट 7-11 लॉयंस के बीच में, यानी कि RM और UL के बीच में ये मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। तो इसके बारे में हम पूरी ड्रीम टीम बनाएंगे, एक पूरी टीम को ओवर भी लेंगे और एक अच्छी सी विनिंग टीम बनाएंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो भी यूट्यूबर आपको पेड टीम दें यानी कि पैसों से टीम दें, आप उनकी टीम न खरीदें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, मैं आपको फ्री में पूरी टीम का अच्छे से ओवरव्यू करके एक अच्छी विनिंग टीम आपको प्रोवाइड कराऊँगा। उसके लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा दोस्तों, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए प्लीज़। अब चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करें पॉइंट टेबल और रैंकिंग की बात करें तो RM यानी रकुटीन मंकीज़ ने अब तक कुल 26 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से ये 17 जीता है, 9 हारा है और ये पहले स्थान पर है। बात करें UL की यानी कि 11 लॉयंस यूनिट टेबल 11 लॉयंस, इसने कुल 30 मुकाबले खेले हैं, 12 जीते हैं और 18 हारे, इसके साथ ये चौथे नंबर पर है, ठीक है दोस्तों। तो इससे यह आइडिया हो जाता है दोस्तों कि हमें जो टीम बनाती है वो RM को माइंड में रखते हुए बनानी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं प्लेयरों की, सबसे पहले बात करेंगे आउटफील्डर की। आउटफील्डर की बात करें तो LN को बहुत ही अच्छे आउटफील्डर हैं, लास्ट मैच में 21 पॉइंट किए थे अपनी टीम के लिए और उससे पहले 4। दूसरे इंपॉर्टेंट आउटफील्डर होंगे हमारे लिए एस जी चेन, इन्होंने 11 और 17 पॉइंट दिए अपनी टीम को लास्ट मैच में। अगले हमारे LN लुन, आखिरी मैच में 13 और 7 पॉइंट दिए अपनी टीम को, ठीक है। ये जो प्लेयर लिखे हैं दोस्तों मैंने, ये लगातार कंसिस्टेंसी से अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखे हुए हैं, इसलिए इन्हें अपनी टीम में लेना आवश्यक है। अब बात करते हैं इनफील्डर्स की, इनफील्डर की बात करें दोस्तों तो सी चेई हसीन, इन्होंने 22, 9 और 20 पॉइंट दिलाए हैं अपनी टीम को लास्ट मैच में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्लेयर हैं हमारे पास के येन बेन 16 और 14, एल ची पिंग 31 और 24, देखिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर एस ची पिंग 31 और 24 पॉइंट दिलाए हैं अपनी टीम को लास्ट मैच में। एल तजू चेई 21, 7 और 38 पॉइंट दिला चुके हैं, ठीक है। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा दोस्तों ये कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं हमारे लिए। अब बात करते हैं पिचर की, बेस्ट पिचर की बात करें दोस्तों तो सी यून बेन हमारे बेस्ट पिचर होंगे, ठीक है, 4 और 10 पॉइंट दिला चुके हैं। कैचर की बात करें तो एल चीन फू 8 और 22 पॉइंट दिला चुके हैं अब तक, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मैं आपको एक अच्छा ओवरव्यू देके अच्छी विनिंग टीम दूंगा, विश्वास रखिए, ठीक है दोस्तों। मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अब बात करते हैं विनिंग टीम की, तो ये है बनाई है दोस्तों मैंने विनिंग टीम। देखिए दोस्तों, यदि आप ग्रैंड लीग के लिए खेलते हैं और एक से ज़्यादा अधिक टीम बनाते हैं तो आप टीम यही रहने दो दोस्तों, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को अलग अलग ट्राई कर सकते हो दोस्तों। जैसे आप, मैंने यहाँ पर कैप्टन चुना है LN को, वाइस कैप्टन चुना है एल तजू चेन को, आप इनके साथ जा सकते हो सी चेई हसीन के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है दोस्तों। टीम यही रहने दे, ये बेस्ट टीम बनाई है मैंने, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, धन्यवाद।